हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देश से दूर और दिलों के करीब। काफ़ी दिन से कोई वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि बीच में इंडिया गया और बिज़ी था बहुत ज़्यादा, और फाइनली आज दिल भी किया और टाइम भी है क्योंकि वीकेंड है और मौका भी है कि एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए सोच रहा था। क्योंकि जब मैं इंडिया गया तो ज़्यादातर लोगों की का क्वेश्चन था कि वहाँ पे ये मिलता है, वहाँ पे वो मिलता है, ये सामान मिल जाता है, वो मिल जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा, एक छोटा सा स्टोर है यहाँ पे पास में, वॉकिंग डिस्टेंस है, कि वहाँ क्या क्या हमें इंडिया का सामान मिल जाता है। तो चलें एक छोटा सा टूर करते हैं उस स्टोर का। सो गाइस, हम हो गए हैं रेडी, अब चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोग इस तरह की एक रखते हैं ट्रॉली जिसमें सामान जाते हैं लोग ना, ये आपको ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास यहाँ पे दिख जाएगी, जिसमें लेडीज जेंट्स सब लोग ये ट्रॉली लेके चलते हैं। और अभी हम निकल रहे हैं अपने घर से। और गाइस, ये मेरी बिल्डिंग है जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, और वो मेरी इलेक्ट्रिक फाराड है, ये मेरी इलेक्ट्रिक साइकिल है। ये मेरा स्ट्रासा है और ये बिल्डिंग मेरी बाहर से है। वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस है बट स्टिल मैं पूरी वीडियो नहीं बना सकता। वेदर ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है। और तो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं उस शॉप पर जहां से हमें शॉपिंग करनी है। वेदर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है, और ये शॉप है, इसका नाम है बाबू बाजार अफ्रीकन एंड एशियन फूड। आप देख सकते हैं इनके पास क्या क्या सामान है, यहां पे सब मिलता है हलाल। और ये सब है स्टोर का व्यू, मिर्च है, भिंडी है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्दीराम के सब प्रोडक्ट्स हैं। हल्दीराम आता है यहाँ पे, ये नमकीन का वो है, ये सब आटा है, ये कच्चे केले और मैंगोज़ हैं, और ये ऑरेंज का है, तो एक इस साइड अगर हम जाते हैं तो इस साइड में सब दाल वगैरह और इस तरीके की चीज़ें हैं। और ये सब सी फूड है इसके अंदर, आप देख सकते हैं ये सब सी फूड है। और ये सब TRS के प्रोडक्ट्स हैं इनके पास ऑलमोस्ट, पता नहीं क्या क्या है इसमें। अशो पीनट ऑयल गुड ईयर ऐसे स्टोर है पाकिस्तान यस बाबा इसको माउस इंडियन निश पाकिस्तानी पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश आलस ग्लाइश। सो ये देसी घी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सवैये हैं, जर्दे का रंग है इनके पास। और अगर आप इधर देखते हैं तो यहाँ पे ये शान के मसाले हैं आप देख सकते हैं, और ये अगेन सी फूड है इस साइड भी, और ये सब MDH के मसाले हैं, MDH की सब वैरायटी हैं, शान की सब वैरायटीज हैं इनके पास। और इधर आप जाते हैं तो ये सब टी हैं, और जैसे कि मैं लेता हूँ ये वाली, ये सब हैं, और ये सब ये गार्लिक पेस्ट है, और ये सब अचार हैं, ये सब अच्छा। और ये एक रैक है जिसमें ये अगरबत्ती, मोमबत्ती और जानमाज इबादत का सामान मिलता है, और ये सोयाबीन है, मखाने हैं, रुआबज़ा है, पतनी पंजाबी वडी, आई डोंट नो ये क्या है। और ये सब वैसे मसाले हैं TRS के ना, और कुछ क्योंकि ये बंगाली स्टोर है तो इनके पास सब बंगाली मसाले भी हैं जो बंगाली लोग खाते हैं ना।
तो ऑलमोस्ट सभी वेराइटीज़ हैं इनके पास। ये साबुत मसाले हैं और ये सब फिश हैं, आप देख सकते हैं। सब फ्रोज़न सामान भी है इनके पास ना। तो गाइस जैसे मैंने आपको बोला रमज़ान है, तो ये है हमारे पास, इसको बोलते हैं फेनी, जो कि हम दूध में डाल के शहरी में खाते हैं। इसकी कॉस्ट है 2.5, यानी कि 2 यूरो और 50 सेंट की है ये। अब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट नहीं करते हैं, और ये कोई बंगाली प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं। मतलब ये फेनी है जो कि रमज़ान में यूज़ होती है। इसी तरीके से यहाँ पर इडली विडली वो सब सामान भी है। और ये बेसिकली ये लजीज़ा के नाम से आता है, और ये पाकिस्तानी ब्रांड है। और ये खीर दूध में और वो कस्टर्ड पाउडर, ये सब डेजर्ट वाली चीज़ें जिससे हम डेजर्ट बनाते हैं, आप देख सकते हैं। पानी पूरी भी है यहाँ पे ना, तो ऑलमोस्ट सब सामान मिल जाता है इंडिया का, पाकिस्तान का और इधर साइड का ना। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ राइस वगैरह, कौन कौन से राइस यहाँ पर आते हैं। और ये कुछ सामान है जैसे मैगी के छोटे छोटे मसाले होते हैं, और ये रस वगैरह है यहाँ पे ना, आप देख सकते हैं। ब्रिटानिया के गुड्डे के बिस्किट भी आते हैं, और ये बॉर्नविटा और नेस्ले के प्रोडक्ट्स आते हैं। अशोका का कोई ब्रांड है, ये इंस्टेंट सब्जीज होती हैं। ये कुछ चपाती होती हैं जो कि हाफ बेक्ड है, और ये बिस्किट है। और मैं आपको दिखाता हूँ आटा आशीर्वाद का, ये 20 किलो का 17.99 यूरो का है ये, क्योंकि अभी एक्सपेंसिव हो गया, पहले ये कम प्राइस में आता था। एक ही आता है यहाँ पे, एक आता है ये अमृतसरी नेचर फ्रेश, आई थिंक इसका ब्रांड है, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, ये अमृतसरी के नाम से आता है। एक ही आता है, ये यहाँ का लोकल ब्रांड है, मतलब कोई इंडियन है उनका सोना स्टोर है, तो ये एक आता है। मैं या तो ये लेता हूँ या ये लेता हूँ, बट इस बार सोच रहा हूँ कि कौन सा लूँ ना। आप देख सकते हैं रमज़ान की फुल तैयारी कर चुके हैं बाबू भाई, और चीज़ें आने लगी हैं। और ये सब नमकीनें मैंने आपको दिखाई थी, और ये बाबू भाई हैं जिनका ये स्टोर है। बाबू भाई, ये बाबू भाई जिनका स्टोर है। और ये सब सामान जो है ये राइस का है, यहाँ पे जो आपका कैस्पियन का राइस आता है, ये वाला राइस बेसिकली डेली यूज़ में हम लोग करते हैं, और इसका प्राइस है 12.50। तो इसको हम ले लेते हैं एक तो, और तो बाबू भाई को हिंदी उर्दू समझ आती है। बाबू भाई प्राइस कुछ थोड़े बढ़ गए ना पहले से? हाँ, तो प्राइस ऑलमोस्ट बढ़े हैं सभी चीज़ों के। और राइस में बासमती में इनके पास एक ये लैला के नाम से है, एक ये बन्नो का है, ये कैस्पियन मैंने आपको दिखाया। इसका आता है ये बिरयानी स्पेशल होता है, मतलब ये सेम ही प्राइस है 12.50। सो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि खुद से ये कितना हो रहा है। ये सब राइस की कैटेगरीज हैं, और ये आप देख सकते हैं एक इस साइड में भी इनका ये सब फ्रीज़र है, और ये सब सब दाल की उसमें आती हैं, राजमा लोबिया और वो सब चीज़ें। और इसी तरीके से ये कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, आई डोंट नो कुछ पैक्ड हैं, पता नहीं मछली का कुछ होता है, मतलब लोग खाते होंगे बहरहाल, मुझे नहीं पता वो सब। और ये सब कुछ केचप कुछ सॉसेस हैं, ये सब देसी सामान है, ये कोई भी जर्मन या यूरोपियन इनके पास कम है, क्योंकि इनके कस्टमर ही सब देसी हैं। तो मिनिमम प्राइस है, मुझे इनका प्राइस सही लगता है, ऑल्दो इसके आसपास में और भी स्टोर हैं, और सब अपनी जगह ठीक है, मतलब सब अपना सामान सही बेचते हैं, बट मैं हमेशा सामान यहीं से लेता हूँ, और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे सामान लेने के लिए। ये काफ़ी एक अच्छी लोकेशन है, इजी है, पांक स्ट्रासा यहाँ पे जो हमारा मेट्रो स्टेशन है जिसको हम उबान बोलते हैं, वो यहाँ से बहुत वॉकिंग डिस्टेंस है, और उसको ऊ आक्ट का एक स्टेशन आता है ये। और ये देखें पैकेट वाली सब्जी अभी आती हैं जैसे भिंडी वगैरह ना। और ये कुछ घी, देसी घी की वो हैं वैरायटी, जैसे अमूल है, डेली वैली है, ये खानुम आई गेस ये पाकिस्तान का होगा, और ये तो इंडिया का है ही हमारे, और ये पता नहीं कहाँ का है, ये भी इंडिया का लग रहा है मुझे। और ठीक है,
घी हो गए ऑलमोस्ट, मैं आपको सभी चीज़ दिखा चुका हूँ। और गोश्त में भी होता है इनके पास, पीछे इनकी मशीन लगी होती है जहाँ पे ये गोश्त वगैरह काटते हैं। और सब इनके पास जो भी नॉन वेज सामान है सब हलाल होता है, क्योंकि ये खुद बंगाल बांग्लादेश से हैं। और तो मुझे लेना है ये वाला घी। तो गाइस ये सामान है जो मैंने लिया है, और मेरा बाकी सामान जो है सब यहाँ पे रखा हुआ है। ओके आई मोमेंट ओके, और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सामान। ये जैसे ये भी इंडियन है, डाबर आमला, इस तरीके के सामान जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, जैसे क्लोजअप है, डाबर हर्बल है, और कुछ शॉप हैं जैसे लाइफ बॉय, और ये सब ऑलमोस्ट एशियन प्रोडक्ट्स हैं इनके पास आ रहे हैं। और ये फ्रिज में आप दिखा, वो जब मैं आया तो मुझे दिखा रहे थे मोतीचूर के लड्डू, भाई भाई स्वीट के नाम से आते हैं ये ना लड्डू। और ये इस तरीके की चीज़ें, जैसे कि ये मुझे लेना था, अच्छा हुआ वीडियो बनाते हुए नज़र पड़ गई, मुझे पनीर लेना था। तो अब देखें पनीर ये 250 यानी कि 2 यूरो 50 सेंट का है, ठीक है, इंडियन स्टाइल है ये, क्योंकि एक पनीर आता है यहाँ पे। बाबू भाई ये भी देखिए पनीर आता है यहाँ पे, दूसरा वाला जो हमारा देसी नहीं होता, तो वो आप बनाएंगे तो वो मेल्ट हो जाता है, बट ये वाला हार्ड है थोड़ा सा, ठीक है। आती हैं ये पापड़ आते हैं, चाहिए नहीं है मुझे इस बार, पार्ले जी है, मैंगोज हैं, खजूर, आइश फोगेसन, ओके देखें खजूर आ गई है स्पेशल, ये 10 यूरो की है ये वाली, और एक ये है ये 5 यूरो की है, एक ये आती है ये भी 5 यूरो है, और ये पानी है, ये सब भी खजूर है। और टाइम देख सकते हैं क्या हो रहा है अभी, वी आई सिंह जी, अनवर अनवर माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अनवर भाई हैं जो अनवर पाशा उर्दू अरबिक डॉयच इंग्लिश फ्रांसीसी लैटिनिश, ओह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा बैग है और इसमें हम सामान रखेंगे, फुल हो गया ये ऑलमोस्ट। डंगशॉन अनवर भाई डंगशॉन, ये है परिसरन, शुक्रान। तो ये इन्होंने अनवर भाई ने हमारा सामान कर दिया पैक, हमारी फुल है। What's his pleasure? So. So guys, ये हो गया हमारा सामान पैक, और वो थी आपकी शॉप, और बस अब हम यहाँ से चलते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखें। ये यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ कि पांकिस्ता से एक उबान है, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है जो कि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, और मेरा घर भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। तो चलते हैं, मैं पहचान के लिए आपको दिखा देता हूँ, ये बीच में इमरान के नाम से शॉप है, और वो आपका स्टोर है वहाँ पे ना।